तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दूरी से यानी कि जौनपुर सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मार्केट है, नपड़ा मार्केट, उसी के जस्ट बगल में आए हैं। दोस्तों दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में कि सांप कौन सा है। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, घर में थोड़ी साफ सफाई का भी ध्यान रखिए क्योंकि सांप आते जाते रहिए, नज़रें जमाए रखिएगा, खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए प्लीज़ कम ऑन आइए, देखते हैं कौन सांप। दोस्तों आप देख सकते हैं बदलते मौसम में सांपों का आना जाना हो चुका है। ये बच्चे उसके अंडे, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं उसके ये अंडे हैं। कहाँ था सर ये? यही पहले यही पर, यही 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 था। अच्छा, यही पर था। तो सर इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे बराबर, तो ये इस तरफ आके ऐसे ही चलता है, ऐसे ही रहते चलते हैं। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, इसको देख कर कैसा लगता है जैसे काफ़ी खाया पिया घर से बिलोंग करता है। और दोस्तों ये जब धरती पे आया तभी से सिर्फ काटने के लिए ही आया हुआ है। वैसे इसका नाम इंग्लिश में इंडियन चेकर्ड किल बैक के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही तेज़ी से बाइट करता है। तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में, लगभग भारत के हर कोने में ये सांप पाया जाता है। इसको इंडियन चेकर्ड किल बैक के नाम से जानते हैं और ये बिल्कुल नॉन वेनमस होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात ये है कि ये काटता बहुत तेज़ी से है। तो चलिए दोस्तों इसको हम कैच कर लेते हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। दोस्तों पकड़ अपनी अपनी होती है, इसके गले को छोड़ करके ही पकड़ा जाता है। तो इसको गाँव में पंडोल के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं पर इसे डोढ़ा बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम इंडियन चेकर्ड किल बैक, इसको देख सकते हैं आप। और ये बहुत तेज़ी से बाइट करता है और जहाँ पर झील, झरना, दरिया, समंदर, पानी की व्यवस्था रहती है वहीं पर ये सांप पाया जाता है। और इसका पसंदीदा भोजन मेढक के छोटे छोटे बच्चों को खाता है, मछलियों को खाता है, पानी में रहने वाले बहुत से सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतुओं को ये खाता रहता है और ज़्यादा करके इंसानों के बीच में ही ये पाया जाता है दोस्तों। और जहरीला बिल्कुल नहीं होता है। इसके काटने के बाद लोग गाँव में जाते हैं, झाड़ फूँक के चक्कर में दवा पीते हैं, जड़ी बूटी की बात करते हैं, तो यहीं से अंधविश्वास स्टार्ट होता है क्योंकि ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों इसको लेकर चलते हैं, काफ़ी दूर छोड़ते हैं और ये अंडा दिया हुआ है, आइए करीब से दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज़ ये देख सकते हैं, इसमें से निकलेंगे इसके छोटे छोटे बच्चे। जस्ट मैं कोई डिब्बा दे दीजिए, पैक कर देते हैं। तो दोस्तों इसकी बाइट करने के बाद यानी कि इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, इंसान थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। दोस्तों पकड़ अपनी अपनी है, इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, ये अपने बच्चों की खातिर इंसानों के बीच में ही रहता है। और दोस्तों इसके अंडे देने की जो समय है तो फरवरी में ही इसके अंडे को ये देता है, फिर मार्च अप्रैल तक इसके बच्चे इसमें से निकलते हैं। अब आप देख सकते हैं एक सांप अगर इतना ज़्यादा अंडा देता है तो इसमें से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, तो एक समय आएगा पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सिर्फ सांप ही सांप होंगे। हालांकि ये बेजुबान है, इनको बचाना अपना परम कर्तव्य है। तो ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता, ऐसे भी जीव जंतुओं को आप भी बचा सकते हैं। और दोस्तों ये काटता बहुत तेज़ी से है, पानी में भी रहता है, बहुत से लोग, बहुत सारा कमेंट भी आता है, वीडियो भी आता है, लोगों को पानी वाला सांप काट, इसको पानी वाला सांप भी बोलते हैं। तो पानी में कभी कभी लोग जाते हैं, खेत खलिहान खुला मैदान, किसान जो भी हैं अपने खेत की सिंचाई के लिए जब भी जाते हैं तो ये सांप ज़्यादा से ज़्यादा काटता है। तो जब ये सांप काटता है लोग दवा पीने के लिए जाते हैं और बच जाते हैं क्योंकि ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता। तो वहीं से अंधविश्वास स्टार्ट होता है दोस्तों। हमारे ज़िले में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास को फैलाए हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे आपका बचाव हो सके, अंधविश्वास से पर्दा दूर हो सके। तो चलिए दोस्तों इसको हम इसी में पैक कर देते हैं और इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों क्योंकि खतरा इसी समय होता है, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। तो चलिए इसको पैक कर देते हैं और ऑक्सीजन के लिए फिर इसमें बनाते हैं, इसके लिए बना देते हैं। तो दोस्तों इसको भी लेके चलते हैं काफ़ी दूर, कहीं जंगल में रिलीज कर देते हैं। और है
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जीव जंतुओं के साथ में। तब तक लिए आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, बाय।